कुछ फीलिंग्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्योर होती हैं, ऐसे इमोशंस या ऐसे एहसास जो आपने और हमने सबने महसूस किए। फॉर एग्जांपल, आपका पहला लव लेटर, या पहली बार जब आपने किसी का हाथ पकड़ा, या आपका पहला प्यार, है ना। ये सारी चीज़ें जो हम जिंदगी में कभी भूलते नहीं, और अक्सर 90% लोग इस फीलिंग को अपनी टीनेज में महसूस कर चुके होते हैं, यानी कि 16 से 17 साल की वो उम्र जब हमारे दिल का इंट्रोडक्शन प्यार नाम के इस इमोशन से होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटीफुल, मतलब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि ना, ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्या आपको नहीं लगता कि इस टेंडर सी एज में और इस सेंसिटिव इशू को हमें बहुत ही समझदारी से डील करना चाहिए, इस फीलिंग को और इस इमोशन को इस उम्र में एक सही डायरेक्शन देना चाहिए। ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी में, मैं ऋत्विक धनजानी, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, 18 साल के दो लोग और उनकी प्यार की कहानी। स्टार्ट हुए सिर्फ 2 दिन हुए, शुरू होते ही पूरा खत्म करेगा क्या? अरे ये 2 दिन बोलते बोलते कब सेमेस्टर निकल जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। अबे क्लास में 10% लाकर भी इतना स्ट्रेस लेता है, तो हम लोग को तो डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। नहीं, वही तो, तुम्हारा फोकस बिल्कुल अर्जुन के निशाने की तरह होना चाहिए, ओनली ऑन द फिश आई। नहीं नहीं नहीं, अगर अभी स्ट्रेस नहीं लूंगा ना तो पेपर आने पे स्ट्रेस होगा। ओए ये है त्रिशा कपूर, जो दिल्ली के जीपी इंजीनियरिंग कॉलेज से आई है, और ये बहुत जल्द आप लोग को टफ कॉम्पिटिशन देने वाली है। ओके त्रिशा, she is Nidhi, he is Savio, and this is Aryan, and this is Rishi. इसकी हॉबी है क्लास में टॉप आना। अच्छा, आप लोगों को पता है कि त्रिशा ने 98.8% स्कोर किया इन अ लास्ट बोर्ड एग्जाम। So everybody just settle down and all the best to you. Thank you, ma'am. तुझसे पूरे 1.5% जाएगा। अभी तेरी हॉबी का क्या होगा अब? ओए। बेटा, लाइफ के हर एग्जाम में फर्स्ट आना है तुम्हें। याद रखो ऋषि, एक बार जो पीछे रह गया समझो वो हार गया, इसलिए कभी किसी को खुद से आगे मत निकलने दो। अबे ये तो टीचर से भी बात करने लगी है। So what's the value of x over here? मैम, मैं इधर मैथ के फॉर्मूला सॉल्व करता रहता हूँ, और इससे जब देखो तब ठीक ही जी। आई एम श्योर इसे 98.8% ना डांस और म्यूजिक में आए होंगे, स्टडीज में नहीं। कोई नहीं, इसे भी दिखा दूंगा कि क्लास में फर्स्ट तो सिर्फ ऋषि आ सकता है। Thank you.
जस्ट प्रिटेंड टू राइट ऑन माई पेपर ओके. वैसे भी मैथ्स का पेपर है तो हैंड राइटिंग का नो टेंशन. जस्ट डू ओके. तुमने मेरी हेल्प क्यों की? मैंने फर्स्ट डे पे नोटिस किया था. तेरी योर एम इज टू कम फर्स्ट. और अगर आज तुम फर्स्ट नहीं आते तो तुम सैड हो जाते ना. और तुम? मैं टॉप तो नहीं करूंगी पर फेल भी नहीं होगी. सो इट्स ओके, चलेगा. अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? बुक स्टोर के आज इधर हैं? तू है ना, बस दिमाग लगाया कर. ये भागने दौड़ने का काम है ना, तेरे बस का नहीं है, समझा? हाँ आया अभी, चल चलता हूँ, बाय. हाँ चल. तुमने मेरी हेल्प क्यों की? मैंने फर्स्ट डे पे नोटिस किया था दैट योर एम इज टू कम फर्स्ट. और अगर आज तुम फर्स्ट नहीं आते तो तुम सैड हो जाते ना. यार कल मैं अपनी ब्रांड न्यू बाइक कॉलेज में लाने वाला हूँ. पर अगर प्लान सेट हुआ तो मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला हूँ. क्या प्लान? अबे कल वैलेंटाइन डे है. तू 18 साल का हो गया है यार. 8 साल वाले बच्चों की हरकतें करना बंद कर दे और फ्यूचर बनाने के बजाय गर्लफ्रेंड बनाने की सोच. तुम इधर क्या कर रहे हो? बेल बजते ही तुम भाग गए. What happened? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? We plan ना कि हम प्रैक्टिकल साथ में करेंगे. मूड नहीं है. क्यों? What happened? तुम लॉन्ग राइड पे नहीं गई? What? ईशान के साथ. He's crazy. वो तो फुटबॉल भी खेलता है, डांस भी अच्छा करता है. ये तुम क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. व्हाट्स दैट? ये क्या है?
I really like you, Trisha. I think of you every moment. I like your smile also. Trisha, I love you. तुम्हारे आने से पहले मैं पढ़ाई सिर्फ क्लास में टॉप आने के लिए करता था, लेकिन तुम्हारे साथ पढ़ाई करके आई रियली एंजॉय स्टडिंग एवरी सब्जेक्ट. तुम्हें फुटबॉल पसंद है ना? मैं वो भी सीख रहा हूं, और डांस वो भी पक्का बहुत जल्दी सीख जाऊंगा. आई चेंज माई सेल्फ कंप्लीटली ओनली फॉर यू. आई लाइक द वे यू आर, काइंड ऑफ नाइस. मतलब यू लाइक मी? या मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? आई मीन आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी, मैं वर्ल्ड का बेस्ट बॉयफ्रेंड बन सकता हूं. विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? यस यस या. Hi. Hi. I think now that we are boyfriend and girlfriend, so I think we should kiss. Rishi, it's too early. I'm not ready. But we are dating, na? तो अब वो ये तो होता है ना? ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे नहीं करना, एंड इट्स टू अर्ली. अरे टीवी में क्या होगा अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा. कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा बेबी, आ जाएगी. कुछ भी हो सकता है. हेलो. आई एम सो सॉरी, ये सब मेरे वजह से हुआ ना. वेरी सॉरी. नहीं वो मैं उतना अच्छा क्रिकेटर नहीं हूँ ना, वरना तुम्हारी फ्लाइंग किस ऐसे पकड़ लेता.
क्या बात है यार, तूने उसे किस भी कर लिया यार, क्या बात है, तू तो हीरो निकला यार। हाँ, और तूने वो सब भी। वो सब मतलब? वो सब मतलब वो सब। हाँ, पागल हो गया तुम लोग। आई लव हर, वो भी सच्ची वाला। वो सब अभी नहीं होगा। अबे इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है तेरी, यू आर एन अडल्ट नाउ। पागल हो गए तुम लोग, ये सब शादी के बाद। वाह वाह, ये तो शादी तक पहुंच गया। अबे इसको क्या हो गया? This year's seniors placement is like so amazing. I just hope we get great jobs. मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि हम दोनों की placement same city में हो। और पहली सैलरी मिलते ही ना मैं मॉम डैड से तुम्हारी बात कर लूंगा। और अगर उन्होंने मना किया तो? मना कर ही नहीं सकते ना, मेरे डैड तुमसे सुपर इंप्रेस्ड है, 98.8%। उनको लगेगा कि मेरा बेटा थोड़ा और इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो मैं ऐसा ट्राई कर। अच्छा लिसन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये वाले है ना। हाय मॉम, व्हाट्स अप? त्रिशा, बेटा किसी पॉलिटिशियन की डेथ हो गई है, शहर में कर्फ्यू भी लगा हुआ है और दंगे भी हो रहे हैं। तुम जहाँ हो वहीं रहना, ओके? हाँ, मैं सविता आंटी के घर पे हूँ। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, कर्फ्यू निकल जाता है ना, आई विल कम एंड पिक यू अप। ओके मॉम, यू टेक केयर। ओके ठीक है। ठीक है डैड। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई नहीं, अब कर्फ्यू तो कैसे जाएगी, जब मॉम डैड आएंगे तब चले जाना, तब तक चल करते ना। अभी सम खत्म करते हैं। कौन से सम पे थे? नंबर 2। हाँ I'm going home now. It's getting late, और मुझे घर जाना। अरे बाबा रुक जाओ ना, जब मॉम डैड आएंगे तब चले जाना। ओके। ए, ए भागो उधर, ए पकड़ो उसे, पकड़ो। Oh my God, what's happening? कुछ नहीं कुछ नहीं, just relax. तुम रात यहाँ वैसे भी रुक सकते हो। I mean सुबह तक कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। We'll figure it out. You sure ना? Yeah. Rishi! 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 Somebody throw a stone over here. अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लाइट्स ऑफ कर दो और सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? हमने जो भी किया, it's all a mistake. हमें नहीं करना चाहिए था. It's a mistake. ये सब. अच्छा listen. I love you. And you know that, right?
No, listen. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा. It is okay. It's not a mistake. Rishi, but this is all wrong. Baba, chill. It is. मैं नहीं करना चाहिए था. It's a mistake. I want to go home. Listen. It's okay. Rishi, trust me, it's okay. It's not. I'm going home. Trisha. No. Trisha. अच्छा, listen. यूं तो ऋषि और त्रिशा की लाइफ एकदम सॉर्टेड थी, कंप्लीटली सॉर्टेड, बट एक गलती ने उन दोनों की जिंदगी बदल के रख दी. और फिर भी कई सी टीनेजर्स की तरह उन्हें भी उनके पेरेंट्स या उनके उनके टीचर्स से उन्हें क्या मिला, सिर्फ ह्यूमिलिएशन. स्टिल देयर वाज नोबडी टू गाइड देम, टू टेल देम व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाई. गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ नहीं हुआ, अब बस एक बार डॉक्टर को मिल लेते हैं. मे बी ऐसा कुछ हुआ ही ना हो. ऋषि, इट्स नेवर बीन कि 2 मंथ्स. आई हैव नेवर मिस्ड इट. दिस विल नेवर हैपन टू मी एवर बिफोर. बाबा प्लीज डोंट क्राई. मुझे कितना बुरा लगता है टू पुट यू इन ऑल द ऑल दिस. आई मीन एक बार बस डॉक्टर को मिल लेते हैं. क्या नाम बताया आपने अपना? त्रिशा, त्रिशा कपूर. कौन से डॉक्टर से मिलना है आपको? गायनेकोलॉजिस्ट. आपके माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं क्या हो गया है आप लोगों को. डेली 3 से 4 केसेस आते हैं हमारे हॉस्पिटल में. क्या सिखाते हैं माँ बाप आपको? स्कूल में क्या सिखाया जाता है आपको? चलिए बैठिए, बुलाती हूँ डॉक्टर को. मुझे घर जाना. I don't want to stay here. Please, मुझे बहुत डर लग रहा है. Just chill, just chill. अब कोई और डॉक्टर को देखते हैं. Let's go, please. हाय त्रिशा, हमें नर्सिंग होम जाने की कोई जरूरत नहीं है. ये मेडिसिन से भी सॉल्व हो सकता है. क्या? ये जो प्रॉब्लम हो गई है वो प्रॉब्लम? तुम इसे प्रॉब्लम कहते हो? और जो तुमने उस दिन किया? What about that? But त्रिशा, और क्या कर सकते हैं हम? Just forget it. Leave it. क्या देख रही हो? You know what it says? 3rd month में बेबी के फिंगर्स डेवलप हो जाते हैं. पहले तो बहुत बातें करती थी, अब क्या हुआ? Say something, Rishi. What do I say, Trisha? What do you mean by what do you say? Just leave it, yeah. Rishi. Our babies will have fingers now. I want a baby. Iski kya fault hai?
ट्रिशा लिसन, हमारी शादी नहीं हुई है, अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मॉम डैड को पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। All you care about is your mom and dad. मेरा क्या होगा? सब लोग मुझे गालियां देंगे। Everybody will abuse me. I want to have this baby. इसकी क्या गलती है? Why should our baby pay for our mistakes? I want to have this baby. बोलो। जो मेरी फ्रेंड है ना, वो आजकल बहुत अपसेट है। क्यों? मॉम, शी इज व्हाट? शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? ये कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी? हाँ मॉम, आप उसे नहीं जानते। अच्छा है कि तुम भी उसे ना जानो। एंड डोंट कॉल हर योर फ्रेंड। पता नहीं आजकल के माँ बाप कैसे वैल्यूज देते अपने बच्चों को। एंड त्रिशा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसके साथ मिलने जुलने की, ओके? वो तुम्हारी कॉलेज की है। अच्छा है, वरना अभी मैं तुम्हारे कॉलेज फोन करके ये बताती। ओके। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे कॉलेज का रिहर्सल और फंक्शन चालू है ना, कम ऑन गो। 6 o'clock हो गए हैं और तुम्हें तैयार भी नहीं होना है। जाओ, गो एंड गेट रेडी। त्रिशा, ये क्या है? आजकल तुम कितनी अनएनर्जेटिक हो गई हो। किसी स्पोर्ट्स फंक्शन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती हो बेटा? और तुम पहले से मोटिव भी हो गई हो। थैंक्स गाइस, आप सब लोग यहाँ पे आए। आज मेरे और त्रिशा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। अब तक तो पूरा क्लास, नो एक्चुअली पूरा कॉलेज जान चुका है हम दोनों के बारे में। दैट वी बोथ लव ईच अदर। अरे वो तो हमें पता है यार। व्हाट इज ऑल दिस? बट मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, जिसकी वजह से त्रिशा आज सफर कर रही है और यहाँ मैं उसे मिस्टेक को सुधारने आया हूँ। What mistake, dude? ऋषि, नो। त्रिशा एंड आई, वी आर अबाउट टू हैव अ बेबी। It's not funny, guys. जब तक हम लोग ये सब समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। त्रिशा को बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना था और मैं बहुत डर गया था। त्रिशा, I'm really very sorry. जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, I didn't know how to handle it because nobody taught me. उस दिन जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, I thought तुम हमेशा के लिए चली गई and it killed me. ये चेन है, मॉम की है, दादी ने उनको दिया था। एंड आई नो कि अगले 3 साल तक तो मैं शादी नहीं कर सकता,
पैट्रिशा, ट्रस्ट मी, मैं 3 साल बाद भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज तुमसे कहता हूं। ये मॉम का चेन एक प्रॉमिस है कि मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, और वैसे भी प्यार उम्र देख के थोड़ी बदलता है। Will you please accept it? ये फायदा उठाया तुमने हमारी दी हुई आजादी का? विश्वास से नहीं होता। मैंने तो हमेशा तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश की है, और तुमने? I'm sorry, mom. अब सॉरी बोल के क्या फायदा? मैंने हमेशा बुरी नजरों से ऐसी लड़कियों को देखा है, पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी ही बेटी ऐसे निकलेगी। मेरी ही गलती थी जो तुम्हें कोएड कॉलेज में भेजा। तुम्हारे आने के पहले मैं पढ़ाई सिर्फ क्लास में टॉप आने के लिए करता था, लेकिन तुम्हारे साथ पढ़ाई करके आई रियली एंजॉय स्टडिंग। ये चेन है मॉम की, दादी ने उनको दिया था। एंड आई नो कि अगले 3 साल तक तो मैं शादी नहीं कर सकता, पैट्रिशा ट्रस्ट मी, मैं 3 साल बाद भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज तुमसे करता हूं। लड़की की जिंदगी बर्बाद की तूने। क्या कहती थी तुम? मैं बेकार में डांटता हूं इसे, है ना? देख लो क्या गुल खिलाया है इसने। यही गलत थी, मैं सोचती थी तू समझदार हो गया है। दिखा दे तूने अपनी समझदारी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। क्या क्या उम्मीदें लगाई थी तुझसे। देखिए ये कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है वो सरासर गलत है। गलती आपकी है। आपके कॉलेज में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये आपका कॉलेज है, ये शादी का मंडप। अगर आप बच्चों को नहीं संभाल सकते तो कॉलेज बंद कर दीजिए। गलती आपके बच्चों की है। इतने सालों में ये पहला केस है। पॉकेट मनी तो अपने बाप से लेता है, चला है बाप। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम, उसका क्या ख्याल रखोगे? मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है,
ये हमारी गलती है और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उस गलती को सुधारने के लिए कर रहा हूँ। इस पूरी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आई एम 18, मैं वोट देकर एक गवर्नमेंट चूज कर सकता हूँ लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर नहीं। डैड, आई एम 18, 2 साल बाद मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके 1 साल बाद आई स्टार्ट अर्निंग। डैड, सिर्फ 3 साल की बात है, सिर्फ 3 साल की बात है, आई प्रॉमिस। मैं ट्रिशा का और बेबी का दोनों का ख्याल रखूंगा। डैड, आई एम ओनली आस्किंग फॉर 3 इयर्स, प्लीज लेट्स कीप द बेबी। जो कुछ भी वो हमारी गलती है उसमें बेबी की कोई गलती नहीं है। डैड, अब तक तो बेबी की फिंगर्स, टोज, I don't know. Please, Dad. Please. Let's keep the baby. इतनी बेहुदा हरकत करने के बाद अभी ये स्पीच दे रहा है। तुम्हारे खिलाफ तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। Excuse me, ma'am. जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा बेटा अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गलती आपके बेटे की भी है। रहने दीजिए, मेरी बेटी इनोसेंट है। गलती आपके बेटे की है। गलती आपके बेटे की है। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस एट @BindasTV, #ये है आशिकी। त्रिशा और ऋषि दोनों ना सिर्फ अपनी क्लास के टॉपर्स थे बट अपने अपने पेरेंट्स के बहुत ही ओबीडिएंट किड्स भी थे, यू नो। लेकिन एक मिस्टेक, जस्ट वन मिस्टेक चेंज्ड इट ऑल फॉर देम। त्रिशा के पेरेंट्स त्रिशा को एक अलग ही शहर लेकर चले गए। उसके बाद त्रिशा और ऋषि के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट करने का जरिया था तोड़ दिया गया। ऋषि की लाख कोशिश के बाद भी उसे यह नहीं पता चला कि त्रिशा है कहां या उसके साथ हुआ क्या। उन दोनों की गलती थी लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यह है कि क्या गलती सिर्फ उन दोनों की थी? एज गार्डियंस, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम सिर्फ उनके ग्रेड्स या उनके करियर पे कॉन्सेंट्रेट करने की जगह उन्हें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने पर भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन दें? जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की हमारा बच्चा ग्रेड्स कितने अच्छे ला रहा है या हमारा बच्चा पढ़ाई में कितना एक्सेल कर रहा है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके कैरेक्टर को शेप अप करना। क्योंकि इस उम्र में कई सारे चेंजेस आते हैं, मानसिक, शारीरिक, माइंड, बॉडी, बहुत सारे चेंजेस जिनके साथ बच्चे कोप अप करने की कोशिश करते हैं। और हमें ये बात समझनी चाहिए क्योंकि आप या मैं जितनी भी कोशिश कर लें एक 18 साल के बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल हम सब इस दौर से गुजर चुके हैं, राइट? आप, मैं, हम सब। और ऋषि भी उसी दौर से गुजर रहा था। ऋषि और त्रिशा दोनों ब्राइट स्टूडेंट्स, एकेडमिकली एक्सीलेंट, लेकिन उनकी जो नॉलेज थी वो किताबों के बाहर बहुत ही लिमिटेड थी जिसकी वजह से उनसे इतनी बड़ी गलती हुई। पर इस बात को वैसे तो काफी सारे साल बीत गए। गेस व्हाट, ऋषि स्टिल लुकिंग फॉर त्रिशा और उसका यह मानना है कि बहुत ही जल्द उसे उसकी ड्रीम जॉब और ड्रीम गर्ल दोनों मिल जाएंगे। और इसे ही तो कहते हैं आशिक। हम स्कूल में साथ में थे, स्कूल से हम कॉलेज साथ में गए। कॉलेज की दोस्ती कब प्यार में बदला जो मैं पता ना चला। हमारा प्यार इतना आगे बढ़ गया कि हमसे कुछ भूल हो गई जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। 2 महीने बाद वो आके मुझसे मिली। उसने मुझे कहा आई एम प्रेग्नेंट। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ उसे। मैंने ये बात अपने दोस्तों से शेयर की। उन्होंने कहा कि तू बच्चे को टर्मिनेट करवा दे। मैंने उससे कहा कि तू अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा दे। तो उसने मुझे कहा